हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। यहाँ पे और एक भर्ती निकल के आ रहा है जो वैकेंसी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, बीआरओ का वैकेंसी है दोस्तों। पूरा जानकारी दूंगा कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे है दोस्तों। बहुत बढ़िया पोस्ट है, 459 पोस्ट है दोस्तों सभी लोगों के लिए। 10वीं 12वीं आईटीआई स्पेशली है आपके पास, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करिए क्योंकि स्पेशली आईटीआई स्टूडेंट के लिए अच्छा भर्ती रखा गया है। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों तैयारी कर रहे हो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैं आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर पेपर के साथ प्रैक्टिस सेट बना दिया हूँ, डाउनलोड करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं, या इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, इसको क्लिक करके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर बीआरओ आता है दोस्तों। इसमें जो पोस्ट रखा गया है पहले देख लीजिए, टोटल पोस्ट 459 है और यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर स्टोर है, फिर रेडियो मशीन है, उसके बाद लैब असिस्टेंट है, मल्टी स्किल्ड वर्कर है, मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन है, उसके बाद तो स्टोर कीपर टेक्नीशियन है। तो टोटल कुल मिला के 459 पोस्ट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पोस्ट रखा गया है जो मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर जो रखा गया है 150 पोस्ट है, स्टोर कीपर यहाँ पे 150 पोस्ट है, और ये स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन में देख सकते हो दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन के लिए आपकी जो जॉइनिंग होगा लेवल 5 में जॉइनिंग होगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th+2 है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट विथ इन आर्किटेक्ट और ड्राफ्ट्समैन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरा एक है, 2 ईयर आपके पास आईटीआई है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है वो आईटीआई होता है, ड्राफ्ट्समैन सिविल में 2 ईयर का आईटीआई है और उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए बहुत बढ़िया पोस्ट रखा गया है, आप इसको जरूर अप्लाई करिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है सुपरवाइजर स्टोर, यहाँ पे लेवल 4 में आप लोग की ज्वाइनिंग होगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए और उसके बाद सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट में है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, कहीं पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों रेडियो मशीन के लिए आपकी ज्वाइनिंग होगा लेवल 4 में आप लोग के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, उसके बाद दोस्तों रेडियो मशीन में आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट आ रहा है दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 10th और 12th होना चाहिए, उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट का आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आ रहा है मल्टी स्किल्ड वर्कर लेवल 1 में आपकी ज्वाइनिंग होगा, इसके लिए 10th के बाद अगर आईटीआई कर रखे हो यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या ब्रिक्स में आईटीआई कर रखे हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन ड्राइवर जो है, इसके लिए मैट्रिकुलेशन है, उसके बाद यहाँ पे मोटर व्हीकल में जो आईटीआई है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास आईटीआई है इस ट्रेड में, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट आ रहा है स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 10th 12th होना चाहिए, उसके बाद हैविंग स्टोर कीपर नॉलेज रिलेटिंग द व्हीकल्स ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, आपके पास इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आपकी 3 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इसमें अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो आज पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी के बात करें तो दोस्तों जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज लेने वाला है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो।
फ्री में। दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 01/2021, पर दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट। दोस्तों यहाँ पे अभी तक लास्ट डेट का बताया नहीं। BRO.gov.in एक वेबसाइट है जिसमें आप लोग को पता पड़ेगा इसका लास्ट डेट। तो दोस्तों थोड़े दिन में अंदर आप लोग को मैं एक अप्लाई करके दिखा दूंगा। जितने भी ITI स्टूडेंट है अगर आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं यहाँ पे अप्लाई करके भी दिखा दूंगा किस टाइप का इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।